नमस्कार दोस्तों, आपके लिए एक और स्टॉक देखने को मिला है दोस्तों, जो कि यह शेयर है यूपीएल कंपनी का स्टॉक देखने को मिलता है दोस्तों, जो कि शेयर की ओपनिंग प्राइस देखने को मिला है 9:15 पर 532.80 रुपये पर ओपनिंग प्राइस देखने को मिलता है दोस्तों, जो कि ओपनिंग होते ही शेयर में बाइंग ऑर्डर देखने को मिलते हैं तो अच्छी खासी शेयर में बढ़ोतरी भी देखने को मिलती है दोस्तों। 539.80 रुपये पर 2:23 पर वहीं से सेलिंग देखने को मिलती है, थोड़ी बहुत इसमें गिरावट देखने को मिलता है दोस्तों। एवरेज ड्यूरेशन के हिसाब से यूपीएल कंपनी की शेयर में प्रॉफिट देखने को मिलता है दोस्तों, जो कि 3 रुपये प्लस में 3.60 रुपये का प्रॉफिट बना के दिया है यूपीएल कंपनी के शेयर ने दोस्तों, जो कि यह शेयर NSE BSE दोनों में लिस्टेड है दोस्तों। और इस शेयर की क्लोजिंग प्राइस देखने को मिलता है 3:30 बजे 533.63 रुपये पर इस शेयर की क्लोजिंग प्राइस देखने को मिली है। और यह शेयर फ्यूचर ऑप्शन जो कि ट्रेडिंग होता है उसमें भी लिस्टेड है दोस्तों, जो कि फ्यूचर ऑप्शन में भी लिस्टेड देखने को मिलता है यूपीएल कंपनी का स्टॉक है। और एक सप्ताह के पहले भी इस शेयर की ओपनिंग प्राइस देखने को मिलता है 539 रुपये के लगभग अराउंड देखने को मिलता है 9:15 पर 29 जनवरी 2023 को। वही शेयर की वहीं से बाइंग ऑर्डर ही देखने को मिलते हैं, लगातार शेयर में अच्छी खासी बढ़ोतरी भी देखने को मिलती है 546.75 रुपये पर 30 जनवरी 2024 को 10:30 बजे दोस्तों, जो कि लगातार वहीं से फिर गिरावट देखने को मिली थी शेयर में वापस 527.05 रुपये पर फिर से बढ़ोतरी देखने को मिली, फिर गिरावट। एवरेज ड्यूरेशन के हिसाब से यूपीएल कंपनी के शेयर में गिरावट देखने को मिलता है दोस्तों, जो कि एक सप्ताह के अंतर्गत माइनस में 9.20 रुपये की गिरावट देखने को मिली है। और 2% के लगभग गिरावट रिटर्न एक सप्ताह के अंतर्गत यूपीएल कंपनी के शेयर में देखने को मिला है अपनों को दोस्तों। और 1 महीने के पहले यूपीएल कंपनी का शेयर की प्राइस देखने को मिला है 4 जनवरी 2024 को 9:15 पर 586.55 रुपये पर देखने को मिलता है। वहीं से इस शेयर में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। एवरेज ड्यूरेशन के हिसाब से 1 महीने का गिरावट यूपीएल कंपनी की शेयर के अंदर माइनस में 54 रुपये की गिरावट देखने को मिली है। और 1 महीने का एवरेज ड्यूरेशन का गिरावट रिटर्न बनता है 9.5% के लगभग अराउंड गिरावट रिटर्न माइनस यूपीएल के शेयर के अंतर्गत 1 महीने में देखने को मिला है अपनों को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्यारा सा लाइक एंड शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। और 1 साल पहले यूपीएल कंपनी की शेयर की प्राइस देखने को मिलता है 715.75 रुपये पर 2023 पर, वहीं से थोड़ी बहुत बढ़ोतरी भी देखने को मिली थी 769.70 रुपये के लगभग अराउंड देखने को मिलता है। वहीं से शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है लगातार दोस्तों, जो कि 1 साल का एवरेज ड्यूरेशन के हिसाब से गिरावट इस शेयर में 170 रुपये के लगभग अराउंड गिरावट देखने को मिल रही है एवरेज ड्यूरेशन के हिसाब से। और इसका गिरावट रिटर्न 1 साल का यूपीएल कंपनी की शेयर में 23.24% के लगभग गिरावट रिटर्न देखने को मिल रहा है दोस्तों। और अगर आप वीडियो पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। और एक 5 साल के हिसाब से इस शेयर में वापस थोड़ी बहुत मोमेंटम देखने को मिल सकती है। 5 साल के हिसाब से शेयर की प्राइस 547.90 रुपये पर देखने को मिलता है, थोड़ी बहुत बढ़ोतरी देखने को मिली थी शेयर में भी 576.43 रुपये पर, वहीं से फिर गिरावट देखने को मिली थी 312.55 रुपये पर 2020 में। लगातार शेयर में बाइंग ऑर्डर ही देखने को मिले थे शेयर में तो अच्छी खासी 808 रुपये देखने को मिला था 2021 में, वहीं से गिरावट ही देखने को मिल रही है। थोड़ा बहुत सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है इस शेयर में दोस्तों, जो कि यह शेयर अभी के फिलहाल में 533 रुपये पर देखने को मिल रहा है। और इसमें सपोर्ट लेवल भी देखने को मिलते हैं अपनों को दोस्तों, जो कि थोड़ा बहुत और गिरने की संभावना देखने को मिल सकती है। वहीं से वापस से मोमेंटम देखने को मिल सकता है 509 रुपये के बाद वापस शेयर में थोड़ी बहुत देखने को मिल सकती है शेयर में। एवरेज ड्यूरेशन के हिसाब से 5 साल का रिटर्न लगभग इस शेयर का यूपीएल कंपनी में 4% का रिटर्न बना के दे रखा है दोस्तों। और एवरेज ड्यूरेशन के हिसाब से 5 साल का प्रॉफिट प्लस में 19.48 रुपये का प्रॉफिट भी बना के दे रखा है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, प्यारा सी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूले दोस्तों। वित्तीय जोखिम की संभावना हो सकती है, कृपया अपनी जिम्मेदारी पर निवेश करें दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।